किसी न किसी रूप में पत्रकार साथियों की संलिप्तता पाई गई है बहुत बड़ा कटु सत्य है और बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। अगर हम एकजुट रहे, अगर हम एक दूसरे के दुख तकलीफ में साथ खड़े हो तो कोई सरकार, कोई ताकतवर से ताकतवर आदमी भी हमारे ऊपर किसी तरह का हमारा अहित करने, हमारे ऊपर हमला करने या हमारे साथ जुल्म और ज्यादती करने की हिम्मत जुटा नहीं सकता। जैसे ही अनूप जी का मुझे संदेश मिला, भूपेंद्र भाई ने मुझे कहा, मैंने कहा कि राजनीति और संगठन बाद में चला लेंगे, जहां भी पत्रकार साथी अपनी बिरादरी की लड़ाई लड़ेंगे हम हर उस मंच पर पूरा सहयोग करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। पिछले 10 साल में हरियाणा लोक जर्नलिस्ट के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मैंने कभी भी इस बात को तरजीह नहीं दी कि किसी साथी के साथ कोई जुल्म ज्यादती नाइंसाफी हुई है, वो मेरे संगठन का सदस्य है या नहीं है। मैंने अपना धर्म और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन साथियों के दुख तकलीफ में जो भी वाजिब सहयोग में कर सकता था हमने किया। और मैं यही समझता हूँ जो भी संगठन आपके किसी नाम से चलाए, कहीं भी आप किसी तरह का उसके अंदर अपना अलग अलग कार्यक्रम करें, लेकिन जहाँ भी पत्रकारों के समूह के रूप में उनके कहीं अहित हो रहे हैं, कहीं उनके उनकी मांगों की बात है, तो हमें सब ने एकजुट होकर उस संघर्ष में एक दूसरे के साथ देना चाहिए। आप सब जानते हैं पत्रकार सुरक्षा अधिनियम के लिए कितने लंबे समय से पूरे देश भर की यूनियनें प्रयास करती रही हैं, आंदोलन करती रही हैं, लेकिन आज तक उसका कोई समाधान हो नहीं पाया है। इसी जंतर मंत्र पर 2 साल पहले हमने प्रदर्शन किया था, तब भी वही मांगे थी, आज भी मामला मसला वही का वही है। लेकिन जो लोग उन्हीं एक बड़े रूप में सरकार के संगठनों से जुड़े रहे, खासतौर पर हमारे एनयूजे के साथी, वो पता नहीं अब उनको शर्म आती है सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने में। मैं ये समझता हूँ पत्रकारों की सबसे बड़ी जमात अपनी बिरादरी है, उनके दुख तकलीफ में साथ खड़े होना चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ कि एनयूजे के हमारे साथी नदारद हैं, मैं भी एनयूजे का राष्ट्रीय सचिव रहा हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे पत्रकार साथी जहाँ जंतर मंतर पर इतनी भयंकर ठंड के बावजूद यहाँ सभी एकजुट होकर अपने पत्रकारों की मांगों के लिए लड़ रहे हैं, तो वहाँ हम भी अपनी आहुति डालना मेरे अपना परम कर्तव्य और धर्म समझे हैं। पिछले लंबे समय से मीडिया, जो पूरा मीडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह प्रेस मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया की मांग होती रही है, लेकिन उस मामले में भी आज तक सरकार ने किसी तरह की कोई पहल केंद्र सरकार ने नहीं की है। जब ये जो सत्ताधीश है, जब ये अपोजिशन में होते हैं, तो इनका मीडिया के प्रति व्यवहार और आचरण दूसरी तरह का होता है। आप सबको पता है कि जब सत्ता में आ जाते हैं तो इनकी आंखों पर चर्बी चढ़ जाती है और मीडिया फिर उसी तरह उनको जनपक्ष के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैं ये समझता हूँ कि आप अपने गृहबान में झांक के स्वयं देखें कि हमारे पत्रकार साथियों की जो मिनिमम वेजेस है वो कितनी है, बजट या वेज बोर्ड को कितने संस्थानों ने आज तक लागू किया। लेकिन इस पिछले 4.5 साल के दौरान वर्तमान सरकार ने भी पत्रकारों की हितों की पूर्ण रूप से अनदेखी की है और उसी तरह पत्रकारों का दमन और शोषण और अत्याचार पर मीडिया हाउसेस के ऊपर लगातार वो यूं का यूं जारी है। आप जानते हैं कि तकरीबन मेरे ख्याल से पिछले दिनों लगभग 400 छोटे अखबारों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, उसका आधार ये लिया गया कि इन्होंने सर्कुलेशन में झूठ बोल के विज्ञापन हासिल किए। मैं मान सकता हूँ कुछ अखबारों ने इस तरह की परिपाटी शुरू की थी कि थोड़े से अखबार निकाले और विज्ञापनों का, लेकिन उसमें सबसे बड़ी सांठगांठ इनके मंत्रालयों की रही है, DAVP की रही है। उन अधिकारियों के खिलाफ भी बराबर की कार्रवाई होती तो मैं समझता हूँ ज्यादा उचित और उपयुक्त होता, लेकिन खाली मीडिया को आतंकित करने के लिए, छोटे और लघु समाचार पत्रों को डराने के लिए, उनके विज्ञापन बंद करने के लिए जो इस तरह का रवैया है, मैं उसकी कड़ी आलोचना करता हूँ
और वो बहुत निंदनीय और शर्मनाक करते हैं। छोटे छोटे पत्रकार को थोड़ा बहुत अगर उन्होंने विज्ञापन किसी तरह ले भी लिया तो उन्होंने कोई इतना बड़ा पाप और अपराध नहीं कर दिया कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कारपोरेट घराने सरकार के टैक्स की चोरी करके और वो खरबों रुपए कमा लेते हैं। कुछ लोग यहाँ से पैसे बैंकों के लेके भाग जाते हैं देश को छोड़ के। सरकार उनके खिलाफ तो कर नहीं पाती लेकिन पत्रकारों के ऊपर शिकंजा कसना अपना धर्म और फर्ज समझती है। कई जगह सोशल मीडिया के मामले में भी मैंने देखा कि मुकदमे दर्ज कर दिए गए कहीं कोई छोटी मोटी टिप्पणी होने के बावजूद भी। मैं अपने साथियों के इस संघर्ष में हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हमेशा साथ है और साथ रहेगी और मैं बहुत बधाई देता हूँ हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के साथियों को जिन्होंने इस प्रदर्शन के लिए, इस धरने के लिए आप सबको आमंत्रित किया। आपके लिए नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाला समय आपके लिए शुभ हो और ये पत्रकार आंदोलन लगातार और मजबूत हो ताकि सरकार को आपकी और हमारी मांगे मानने के लिए बाध्य होना पड़े। जय हिंद।